तो भाई अभी तुम्हारा भाई मतलब रास्ते में आ चुका है, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और कल था सैटरडे, तो कल शोरूम बंद होना था। तो मैं पहले तुम्हें ये बता दो, पार्ट्स आ चुके हैं KTM कांगड़ा के, मतलब चलते चलते बात करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो एक, ये जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो भाई देख लेना, मेरे ये बैंड हो गया था। हाँ जी हाँ जी, आप भी हो? अच्छा, क्या नाम आपके चैनल का? मेरे चैनल का नाम ये रहा भैया, ये राइड ऑन टू व्हील्स। अच्छा वो चैनल है फेवरेट, सौरभ जोशी ब्लॉग्स। हाँ मैं भी देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ वो। हाँ अभी मैं वीडियो शूट कर लूँ, कर लूँ, ठीक है, ओके, बाद में करता हूँ बात फिर। हाँ तो भाई मतलब सीन क्या है, एक जैसे मैंने आपको वो दिखाया, ठीक है, और जिनको नहीं पता ये कैसे हो तो भाई जाओ आई बटन पे लिंक आ रहा है, देखो जाके, बाइक क्रैश हो गई थी और ये बहुत पहले का था, ये लीवर मेरा और एक स्पार्क प्लग इसका, ठीक है। तो ये सामान आ चुका है भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब KTM कांगड़ा का मैं कैसे वो करूँ धन्यवाद, ठीक है, कैसे धन्यवाद करूँ कि भाई आप लोगों ने सामान लेके रख दिया मेरे सामने। मेरे को तो ऐसा लग रहा है 2 महीने हो चुके हैं, बट अभी पहले ना चलते हैं यहाँ से, फिर चलते चलते बात करता हूँ मैं आपसे। पहले तो मैं KTM कांगड़ा को एक बार फिर से धन्यवाद बोलना चाहूँगा, मतलब मैं थैंक यू कैसे बोलूँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रही। मतलब जिस टाइम पे उन्होंने कहा ना मेरे को, मैंने इनको कॉल करी थी, मैं कहा यार बहुत ही टाइम हो गया और मेरा स्पार्क प्लग मेरे को ऐसा लग रहा है दिक्कत दे रहा है, क्योंकि जब मैं इसकी सेल्फ ले रहा था ना, इसको सेल्फ स्टार्ट कर रहा था, तो भाई ये ना बहुत लंबा सेल्फ ले रही है कई बार, तो मेरे को लग रहा था कि गड़बड़ है कुछ। तो मैंने कॉल करी KTM कांगड़ा सर्विस स्टेशन पे, मैं कहा ऐसे ऐसे सीन है और मैम 2 महीने आने को हो गए और आपका सामान नहीं आ रहा अभी तक, तो यार कुछ करो यार प्लीज। तो उन्होंने कहा कि सर आ गया KTM का, कुछ सामान आ चुका है KTM का और कुछ जो है अभी नहीं आया। तो मैं कहा ठीक है बता, मेरा ये सामान है तो आप बता दो आ चुका है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि मतलब सर्विस स्टेशन का जो इंचार्ज है, जो मतलब जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं जिस शॉप पे जो अंदर है, ठीक है, KTM की, तो मतलब वो अभी है नहीं, आप ऐसा करो नेक्स्ट डे कॉल करना और फिर उसके बाद मैं आपकी बात करवा दूंगी उनसे, और आप जो भी है अपना वो उनको बता देना कौन कौन से पार्ट है, वो आपको बता देंगे कि हाँ ये पार्ट आ चुके हैं और ये नहीं आया। तो मैं कहा ठीक है, फिर अगस्त आज मैंने उनको कॉल करी और मैंने बोला मैम ऐसे ऐसे आपने कहा था उनसे बात करना, तो आपको सब बता देंगे कि कौन कौन से पार्ट आ चुके हैं कौन कौन से नहीं। 3 पार्ट पड़ने थे मेरी बाइक में, ठीक है, मतलब इंस्टॉल होने थे 3 पार्ट न्यू, एक ये क्लच लीवर, एक मेरा रेयर ब्रेक लीवर, ठीक है, और एक मेरा स्पार्क प्लग। तो भाई उन्होंने कहा कि ऐसा है कि स्पार्क प्लग आ चुका है, रेयर ब्रेक लीवर जो है यानी कि फुट ब्रेक लीवर भी बोल सकते हैं आप उसको, वो भी आ चुका है न्यू, एक क्लच नहीं आया अभी। मैंने कहा तो भाई वो कब आएगा? बोला अभी कोई पता नहीं है, जब नेक्स्ट टाइम जो सामान आएगा उस टाइम पे बता देंगे। मैं तो इसके लिए खुश था कि भाई चलो यार मतलब ये 2 सामान तो आ गए, फिर थर्ड आएगा तब देखेंगे, पर 2 तो आ गए ना। मतलब यार ब्रेक लगाने को दिक्कत आती थी, आपको पता ये बैंड हो चुका था मेरे, ये तो थोड़ा अंदर की तरफ रखना पड़ता था पैर, फिर वो फील नहीं आता था ना मुझे, वो सीन है। अभी तुम्हारा भाई खुश है तो जा रहा है KTM शोरूम, ठीक है। और बाकी इन्होंने यार एक हमारे राइड ऑन टू व्हील्स के ही फैमिली मेंबर हैं, उन्होंने मेरे से फेसबुक पे बात करी और उन्होंने अपना बताया कि उनके साथ KTM कांगड़ा किस तरह का स्कैम कर रही थी। भाई मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है, अभी मैं आपको सीधा KTM कांगड़ा पे जाके जल्दी से काम करवा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ, क्योंकि बारिश भी पड़ रही है ऐसा लग रहा है मुझे, छींटे पड़ रहे हैं थोड़े थोड़े, देखो मौसम भी खराब हो गया यार, आई डोंट नो GoPro पे दिख रहा कि नहीं, तो ऊपर वाली साइड, ठीक है। तो अभी पहले सीधा मैं काम करवा लेता हूँ, उसके बाद जो भी बात करनी है वो सारी आपको फिर बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। मैम वो स्पेयर पार्ट्स डलवाने थे, कॉल करी थी मैंने तो, हाँ 3 डलने थे पर सर ने बोला कि 2 आ चुके हैं ना, वो डलवा दो और एक जो वो नेक्स्ट टाइम। मैम इसमें एक क्लच लीवर था, एक स्पार्क प्लग था और एक फुट ब्रेक का लीवर था। मैम हैं बोला 2 मिल जाएंगे। ओके 6048। हाँ बस 2 डलवाने वो। कितनी देर में हो जाएगा वैसे? मैं ओके, तो भाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मिलता हूँ मैं आपको फिर बाद में, बाकी तो मैं देख लिया क्या स्टोरी है। ये है अपना बिल भाई, ठीक है, तो भाई अभी मैं आपको बताता हूँ कि अंदर क्या सीन हुआ, ठीक है, इसका ये चेंज करवाया हमने, ठीक है, सही लग रहा अभी,
कुछ मेरे को ऐसे लग रहा है यार बाहर को है ये, दिखाता हूँ मैं एक बारी फिर बताता हूँ आपको। यार देखो यहाँ से ऐसे लग रहा है कि ये इस साइड को है, और भी आरसियाँ खड़ी हैं मेरे को बहम बड़े हैं भाई। वो आरसी नहीं है कोई इत्थू? नहीं नहीं बिल्कुल सही, ठीक है। तो अभी हमने एक ये आपको बताता हूँ कहाँ डाला भाई, ये देखो इसकी बुरी हालत हो गई थी तो ये चेंज कराया एक साथ में स्पार्क प्लग, लेकिन आपको नहीं दिखा पाया भाई ये बड़े चौड़े होते हैं। मैं सीधी साफ बाद में क्या बोलूं भाई दी, अंदर शूट नहीं करने दे रहे हैं, इलीगल काम चले ना भाई, इसीलिए अंदर शूट नहीं करने देते, क्योंकि अगर शूट करेंगे तो ये मतलब गलत चीज नहीं डाल पाएंगे हमारी बाइक के अंदर, और अगर कैमरा ऑन होगा तो इनको रियल चीज डालनी पड़ेगी। मैं तो भाई साथ में बैठा रहा जब तक चेंज नहीं हुई। अब एक क्लच लीवर ला डालने को, वो जब आ जाएगा तभी डालेंगे हम, ठीक है। कुछ बातें करनी है आपसे, ठीक है, जो मैंने आपको बोला था वो अभी घर जाते जाते मैं आपको बताऊंगा क्या स्कैम है भाई इनका, ठीक है। आपको दिखाना भूल गया बिल, ठीक। प्लग स्पार्क प्लग ये है ना, ठीक है, ये पड़ा 232 का, और ये ब्रेक लेबर 702 का, टोटल बना 934, और ये इन्होंने अपना लेबर चार्ज लगाया और 79 ब्रेक पैडल के लिए और 26 स्पार्क प्लग के लिए। ब्रेक पैडल ये दूसरा है, मतलब फुट ब्रेक पैडल, ठीक है। तो ये आपको बिल दिखा दिया, और नंबर नंबर होगा तो मैं हाइड कर दूंगा बस। हाँ तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ सारी स्टोरी है, ठीक है, क्या क्या सीन है यहाँ पे। हमारा एक राइड ऑन टू व्हील्स का फैमिली का मेंबर है, ठीक है, उन्होंने मेरे को मैसेज करा था फेसबुक पे, और उन्होंने मेरे को बताया उनके पास है पल्सर NS 200, वो मतलब यहाँ पे आए थे, ये जो कांगड़ा वाला शोरूम है ना बजाज का, यहाँ पे आए थे, बजाज KTM एक ही है मुझे पता है आपको, ठीक है, यहाँ पे आए थे। तो अब मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, हैंडल कंसेंटमेंट अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो भाई उसके लिए सॉरी, लेकिन कुछ ऐसे ही बताया था, यहाँ मैं चैट शो कर दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने वो बताया, नाम नहीं बताऊंगा बंदे का, बंदा कौन है वो, मतलब जिस भाई ने मेरे से बात करी, लेकिन बस मैसेज शो हो रहे होंगे आपको, ठीक है, यहाँ पे देखते चलो साथ में। तो उन भाई ने मेरे को मैसेज करा कि भाई ऐसे ऐसे, और मैं इनके पास गया, वो हैंडल कंसेंटमेंट्स, ठीक है, मतलब कुछ था प्रोडक्ट उन्होंने वो इंस्टॉल करवाने थे। इन्होंने बताऊं क्या कहा, सर 1500 के डलेंगे। तो उन्होंने कहा कि रहने दो भाई, नहीं डलवाने मैंने। उसके बाद वो गए पालमपुर वाले शोरूम में, और उधर उन्होंने सेम वही चीज जो यहाँ पे इन्होंने नहीं डलवाई, वो उधर पता करा कि सर कितने की है। तो उन्होंने कहा कि ये आपको 450 में डल जाएगी, वहाँ पे डलवाई। और भाई मेरे को पता क्या बोलते, ये सिर्फ यहाँ पे भाई पैसे बनाते हैं, पैसा बना देंगे और हो गया, काम वगैरह नहीं करते हैं सही से, देख लो, ठीक है। तो ये सीन है भाई KTM वालों को, और अब आपको लग जाएगा पता कि कांगड़ा वालों का सर्विस सेंटर कैसा है। और अभी आप बोल रहे हो कि भाई तूने KTM अंदर जो सामान डलवाया वो तो तूने हमें बताई नहीं क्लिप, अब वो सुनो, जैसे मैंने कैमरा ऑन करा बीप करता है ये GoPro, मैंने इसकी बीप ऑफ नहीं करी है, बीप करता है टू टू करके, ठीक है, ये होती है। एक तो इसका भाई स्क्रीन सेवर उसको हम अपने से सेट नहीं कर सकते, मिनिमम उसका 1 मिनट है, 1 मिनट के बाद स्क्रीन सेवर ऑन होगा, यानी कि ब्लैक हो जाएगी स्क्रीन। और ये सामने वाली जो है, ये मैंने ऑन रखी हुई है डिस्प्ले जो शो दी हुई है फ्रंट पे, तो ये भी ऑन थी। तो वो मतलब भाई पहले जो सर्विस कर रहा था मेरी बाइक की, मतलब पार्ट चेंज कर रहा था, उस बंदे ने अशबनी है भाई इनका एक इंचार्ज ना यहाँ पे, उसको बुलाया और उससे बोला कि भाई ऐसे ऐसे कैमरा ऑन है इनका, और इनको बोला कि बंद करो। भाई देखो अब तुम बोला कि कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे, देखो मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन का आपने सारा सीन देखा होगा अंदर क्या क्या हुआ। अब पुलिस वाले अंकल को भी पता था कि इसका कैमरा ऑन है, ठीक है, तो पुलिस वाला अंकल भी मेरे को बोल सकता था कि भाई कैमरा बंद कर, यहाँ पे अलाउड नहीं है रिकॉर्ड करना वीडियो, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि अंदर जो है वो सारा काम जेन्युइन हो रहा है रूल और रेगुलेशन से, ना कि उधर करप्शन का सीन चलो है ना कुछ, तो उन्होंने नहीं कहा। यहाँ पे मेरे को सीधा कह दिया कि सर कैमरा ऑफ कर लो, यहाँ वीडियो शूट नहीं करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं बंद कर देता हूँ कैमरा, मैंने कैमरा बंद कर दिया, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन भी नहीं की थी, सीधे मैंने ऑफ कर दिया उसके बाद कैमरा। सीन बताऊं क्या, पिछली बार आपको पता होगा कि इन्होंने मेरा क्लच जो है वो और डाल दिया था किसी और बाइक का, ड्यूक 250 का डाला था, तो वो आपको पता होगा। और वो कैसे करा, क्योंकि तब मैं ना कैमरा ऑन करा था ना कुछ, और इनको पता ये गेम कर सकते, तो इन्होंने मेरे साथ गेम कर दी। ले भाई तू चल दे यार, तू चल दे यार भाई, जा निकल यार, बहुत हॉर्न मार रहा है भाई साहब। हाँ तो भाई देखो ठीक है, ये बता रहा था ना मैं कि इन्होंने वो कर दी, क्योंकि उस टाइम पे कैमरा वगैरह नहीं था उन, और अब भी जब मैं कैमरा ऑन करके बैठा था इनके सामने खड़ा था, तो भाई ये गेम नहीं कर सकते थे कोई भी। तो भाई मेरे को तो ऐसे लगता है भाई जो फ्रॉडी होते हैं ना, फ्रॉड करते हैं, वो भाई कैमरा ऑफ करने के लिए बोलेंगे, और जो भाई जेन्युइन होंगे बिल्कुल, वो कैमरा वगैरह उनके सामने कुछ ही आदे लाइव टेलीकास्ट हो जाए, लेकिन वो मना नहीं करेंगे। तो ये सीन था भाई, देख लो। और अब तुम्हारा भाई सर्विस बताऊं क्या करवाएगा, मेरी बाइक की सर्विस आ चुकी है, ठीक है, थर्ड सर्विस, और क्योंकि लो ऑयल प्रेशर बता रही है मेरी बाइक, तो अभी वो सब मैं करवाऊंगा पालमपुर वाले शोरूम में या फिर पठानकोट वाले शोरूम।
घूमने। अब बड़ा मजा आ रहा है यार ब्रेक लगाने में, रेयर ब्रेक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यार पहले मेरे को ना पाँव जो है वो थोड़ा अंदर की तरफ करके रखना पड़ता था, आदत पड़ गई है मेरे को, ठीक है, पैर अंदर करके ब्रेक लगाने की, क्योंकि उस टाइम पे लीवर जो था वो खराब था, ठीक है, ब्रेक का, तो अंदर करके लगाने पड़ती, लेकिन अब भी ठीक हो गया, बट अब फिर भी मेरे पैर, आदत तो आपको पता है अब धीरे धीरे जाती है। अभी भी मैं ऐसे ही रख रहा हूँ पाँव ऐसे करके थोड़ा सा, पहले मुझे ऐसे डर लगा रहा था, देखिए यार भाई बीच में ब्रेक नहीं ना लगी तो गेम हो जाएगी, स्पार्क प्लग भी डल गया न्यू, और एक बात बताऊँ मैंने तो कॉल ही नहीं करने थे इनको, KTM वालों को, ये तो परसों मेरी बाइक यार मतलब स्टार्ट करी तो ये लंबा सेल्फ ले रही थी, जैसे कि अगर स्पार्क प्लग में दिक्कत हो तो वैसा करती है बाइक, ठीक है, कोई भी बाइक हो, तो लंबा सेल्फ ले रही थी मेरी बाइक, तो फिर मुझे लगा यार एक बारी तो कॉल करके पता करना ही चाहिए, तो बस भाई तुम्हारे ने कॉल करी, इन्होंने कहा दो चीजें आ गई हैं वो डलवा लो और बाकी ये तो फ्री में डलेगा ये जो है, क्योंकि इन्होंने पहले गेम करी थी मेरे साथ तो ये तो फ्री में डलेगा, तो बस अब ये डलवाएंगे और उसके बाद तुम्हारा भाई मतलब मैं तो कभी नहीं करवाने वाला यार यहाँ पे सर्विस, क्योंकि यार दोबारा नहीं चाहता कि मेरी बाइक के साथ ये छेड़छाड़ करें। आपको ये भी चेंज कर दिया था, ब्लैक लगा दिया था भाई, पता है ना तुम लोगों को, मैंने बताया था आपको उस वीडियो में, आई बटन पे सारी वीडियोस का लिंक आ रहा है भाई, जो भी पुरानी वीडियोस की बात कर रहा हूँ ना मैं, वहाँ जाके देख सकते हो आप ये सब, यार बड़े गेमी बंदे हैं ये, मैं सीधा बात बोलता हूँ, मतलब ना मेरी उन वीडियोस पे KTM कांगड़ा वालों को इतनी गालियां दे रहे थे ना बंदे, लेकिन आपको पता ही है यूट्यूब के एल्गोरिथम का, कि अगर आप गालियां देते हो हिंदी गालियां दे रहे हो व्हाट्सएप लैंग्वेज में तो वो उसको डिलीट कर दे रहा था, लेकिन हमारे भाई लोग हैं जो उन्हें पता है किस तरह से लिखनी है गाली जिससे कि यूट्यूब का एल्गोरिथम उसे पढ़ ना पाए और डिलीट ना कर पाए। मैं पढ़ता था कमेंट्स भाई, वो डिलीट हो जाते थे इमीडिएटली, लेकिन मुझे तो शो होते थे, मैं पढ़ता था भाई यार कोई KTM कांगड़ा को क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, इनकी इज्जत बेइज्जत हो चुकी है ये मतलब, ठीक है, तो इसीलिए मना करते हैं सभी को वीडियो बनाने के लिए कि भाई अंदर वीडियो नहीं बनाएंगे, चलो ठीक है वो चलेगा, हम अंदर वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो भाई हमारे साथ एक्सपीरियंस मतलब हम अंदर लेंगे, जो आपसे एक्सपीरियंस लेंगे हम, तो फिर उसके बारे में तो हम बताएंगे अपने भाई लोगों को, वो तो बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा करते हैं KTM वाले या जो भी है, ठीक है, जहाँ भी एक्सपीरियंस होता है हम उसको तो बताते हैं, तो वो सीन है भाई। और बस आज की वीडियो में बस यही था, और बाकी इसके सर्विस आ चुकी है, क्योंकि लो इंजन ऑयल दिखा रही थी मेरी बाइक, लो ऑयल लेवल कुछ ऐसा करके है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।